सर आज तीन अपराधी पकड़े गए हैं, क्या है मामला? हमारी स्वैट सर्विलेंस टीम और थाना कोतवाली पुलिस के पास एक पुख्ता सूचना थी कि कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। हातिमपुर मोड़ के पास इनकी घेराबंदी करके इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें तीन अपराधी उस गाड़ी में मिले। उनमें से एक पुराना एचएस है यहीं का, और भी जो अपराधी मिले थे उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 1 किलो मादक पदार्थ मिला है, जो उनके द्वारा ये बताया गया है कि हेरोइन है, तथा इसे ये झारखंड के चतरा से लाते थे और बनारस, गाजीपुर और यहाँ तक कि इसकी सप्लाई ये राजस्थान में भी करते थे। जिस वाहन का ये उपयोग कर रहे थे उस वाहन को भी पुलिस ने सीज़ किया है, और ये जो सामान्य लोकसभा इलेक्शन चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में जो लगातार हम लोगों के द्वारा गोपनीय रूप से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और अपराधियों पे के संबंध में जो संकलित की जा रही हैं सूचना, उसी के आधार पे ये कार्रवाई की गई है। एक अच्छी कार्रवाई हमारी स्वैट और सर्विलेंस टीम और कोतवाली पुलिस ने की है। सर इसकी कीमत क्या होगी? लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हीरोइन की कीमत इस समय लगभग 2 करोड़ रुपए पर केजी है। ये 1 किलो इसकी बरामदगी है, 2 करोड़ के करीब इसकी कीमत है। पूछताछ में सर क्या पता चला है, कितनी सक्रियता कब से रही है इनकी? इनमें से जैसे एक अपराधी जो महेंद्र है, यहाँ का एक बड़ा कुख्यात ड्रग तस्कर हुआ करता था जो अब नहीं है, अमरनाथ यादव, उसके साथ उसने काम किया था। बाकी जो ये लोग थे पिछले लगभग 1 वर्ष से इनके द्वारा बताया गया सक्रिय है। इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जहाँ से आ रहा है, जो भी बातचीत हुई है उसमें मैंने बताया कि ये चतरा जो झारखंड में है वहाँ से इनके संबंध हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में बनारस में यहाँ पे, और इन्होंने बताया है कि राजस्थान में भी इनके द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है। इन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और जो जो और भी इनके संपर्क में होंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये भी पहले एक अब्बास गैंग यहाँ पे चलता था, अगर आप लोगों की जानकारी में है वो, क्योंकि गाजीपुर पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध बहुत कार्रवाई की गई थी, वो छोड़ के ये बताया गया है कि वर्तमान में वो कहीं बिहार में अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से वो अपना सारा कार्यक्षेत्र छोड़ गया है। तो ये इस पर कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही हैं, जो लोग अन्य इसमें आएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।